हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बुलेट गुरु। मेरा नाम है जितेंद्र। आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग ट्रिप पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या क्या कैरी करना चाहिए, और प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये एक्चुअल में जो लॉन्ग ट्रिप जो रेगुलर करते रहते हैं, या फिर हाईवे राइड ज़्यादा रहता है, लॉन्ग राइड ज़्यादा रहता है, या फिर आपने कोई ट्रिप प्लान किया हो या जर्नी प्लान किया हो, तो आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो वो मैं आपको आज लिस्ट बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। तो फर्स्ट जो सबसे प्री मतलब जब ट्रिप से जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ करानी है ताकि बाद में इशू ना आए, तो फर्स्ट आपको सर्विस करा लेनी है अपनी गाड़ी की ट्रिप से पहले। भले ही आपकी सर्विस 1-2 महीने पहले हुई हो, फिर भी आप एक बार सर्विस करवा लीजिए। ठीक है, सारे इसके बोल्ट और जितनी भी चीज़ें हैं क्लीन करने लायक, वो क्लीन करवा लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड चीज़ याद रखना है कि पेट्रोल की प्लानिंग, कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा स्टॉप आने वाला है और उसके लिए आपको कितना पेट्रोल चाहिए होगा, कैरी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन द एरिया जहाँ आप जा रहे हो। ठीक है, हिली एरिया में हमेशा ट्राई करिए कि आप पेट्रोल कैरी कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि पेट्रोल पंप होता है बट बंद होते हैं। ठीक है, तो हमेशा प्लान उस तरह से कीजिए और जहाँ जहाँ पेट्रोल पंप मिले तो थोड़ा फिल कराते जाइए, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, पेट्रोल की वजह से प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है जो आपको पहले करना चाहिए ट्रिप से पहले, वो है टायर प्रेशर चेक। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉय व्हील्स के लिए, ठीक है, एंड स्पोक व्हील्स दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टायर प्रेशर चेक कर लेना चाहिए। टायर प्रेशर मैं मेंशन करूँगा आपको कितना आपको रखना चाहिए विथ पायलॉन, मतलब अगर पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है तो, और अगर आप सिंगल सोलो अगर आप राइडर हैं तो उसके लिए आप कितना होना चाहिए वो मेंशन करूँगा। उसके बाद आप ड्यूरिंग, जब आप चला रहे हो, ठीक है, और आपका रन जो है वो लंबा है, मतलब मानिए आप 1000 1000+ किलोमीटर चला रहे हो, तो ड्यूरिंग आपको क्या चेक करना है, सॉरी 600 किलोमीटर के बाद में आपको जितने भी फास्टनर्स हैं, जितने भी आपके बोल्ट्स हैं वो चेक करने हैं, कुछ लूज़ तो नहीं हो गए, कि बिकॉज़ क्या होता है, जब आप राइड कर रहे हो थोड़ा वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के टाइम पे बोल्ट्स और फास्टनर्स ये जितने भी आपके होते हैं वो लूज़ होने के चांसेस हो जाते हैं। टायर की कंडीशन क्या है, टायर की कंडीशन चेक कीजिए कि हाँ टायर में कोई क्रैक मतलब कुछ मार्क तो नहीं आ गए हैं, तो फटने के चांसेस तो नहीं है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। इंजन ऑयल लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग है, बहुत लोग इग्नोर करते हैं। वो तो बोलते हैं कि मैंने आने से पहले, ट्रिप में आने से पहले ही किया था, बट क्या होता है कई बार ऑयल का ग्रेड प्रॉपर नहीं होता है, ऑयल की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होती है, ब्रांडेड होती है बट प्रॉपर नहीं होती है, उसकी वजह से जल्दी जल जाता है तेल हाई आरपीएम की वजह से। एंड आप ये चेक करिए कि सारी जो लाइट्स हैं और हॉर्न्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप राइड कर रहे होते हैं तो आपको हेडलाइट दिख रहा होता है, बाकी सब पीछे का प्रॉपर है कि नहीं वो भी चेक करना होता है। एंड उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग इग्नोर मारते हैं, वो है चेन का टेंशन कितना है, मतलब चेन का टाइट कितनी है, टाइट है या लूज़ है, या उसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन है कि नहीं, वो आपको ज़रूर चेक करना होता है। एंड उसके बाद अगर आपको कैरी करना है तो कौन कौन सी चीज़ें कैरी करनी है, तो फर्स्ट आ गया आपका टूल किट। आपको सब मैक्सिमम टूल किट साथ में कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि मैकेनिक्स नहीं मिल पाते हैं, तो आपको फर्स्ट एड आपको खुद करना पड़ेगा मेंटेनेंस का या चेंज का या ऐसा कुछ रिप्लेस करना है तो वो पार्ट। एंड इसका फर्स्ट एड किट कुछ भी हो सकता है, टू व्हीलर है, बाइक है, थोड़ा सा भी अगर आप स्लिप हुए तो थोड़ी चोट लग सकती है, तो फर्स्ट एड किट आप कैरी जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने सहूलियत के हिसाब से फर्स्ट एड किट बनाइए एंड उसको कैरी कीजिए। बल्ब्स आपको यूज़ करने हैं, बल्ब लेके जाने हैं कम से कम एटलीस्ट एक सेट, आपको हेडलाइट का लेके जाना है, ठीक है, एंड टेल लाइट का। बाकी अगर इंडिकेटर बाई चांस नहीं भी हुआ तो वी कैन मैनेज, हाथ दिखा के हम कर सकते हैं मैनेज, बट हेडलाइट और टेल लाइट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि नाइट राइड करते हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है। एक्सेलेटर, क्लच, और अगर फ्रंट आपका ड्रम ब्रेक है तो आपको फ्रंट का केबल आपको एक एक सेट कैरी करना है एक्स्ट्रा। देन चेन का मास्टर लॉक आता है, मास्टर लिंक लॉक आता है चेन का, वो आपको कैरी करना है। कई बार वो जब आप राइड कर रहे होते हैं तो वो निकल जाता है, उसकी वजह से चेन खुल जाती है, तो वो आपको कैरी करना है। स्पार्क प्लग के दोनों दो सेट, मतलब आपका जो दोनों हैं, मतलब एक 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 दोनों पीस आपको कैरी करना है। फ्यूज़ आपको एक्स्ट्रा फ्यूज़ आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि
कई बार क्या होता है फ्यूज़ की वजह से ओवर चार्जिंग की वजह से या स्पार्क प्लग निकल जाता है, वो आपको करना है टेप रोल, ठीक है, टेप रोल और एक्स्ट्रा वायर्स आपको कैरी करने पड़ेंगे, जो आप कभी अगर कुछ वायर कटिंग करना पड़ा या चेंज करना पड़ा तो एक्स्ट्रा वायर आपके पास होना चाहिए, तो एक्स्ट्रा वायर का एक छोटा रोल आप कैरी कर सकते हैं विथ टेप, जो इंसुलेशन टेप बोलते हैं वो आपको कैरी करना है। तो ये सब चीज़ें अगर आप कैरी करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। एंड उसके बाद एक पंचर किट आपको कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली कई बार क्या होता है जब आप राइड कर रहे होते हैं तो जो कार वाले होते हैं उनके पास ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट स्टिल फॉर द वर्स्ट सिनेरियो आपको कैरी करना पड़ेगा। एंड पंप, पंप एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग कैरी नहीं करते हैं। द थिंग इज हम जब गाड़ी जब हम ट्रिप पे जा रहे हैं तो गाड़ी ही खींचने वाली है, तो हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका यूज़ नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अगर यूज़ हो गया तो अच्छी बात है। तो इससे अच्छा बेटर ये रहेगा कि आप कैरी कीजिए, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा आएगा मान सकता हूँ, बट ट्रिप है, आप कॉन्फिडेंटली आप राइड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है, एंड आप ज़रूर ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। आप अगर आपको अपने ट्रिप को बहुत ही अच्छा बनाना है, मतलब यादगार बनाना है, आपको सफ़र नहीं करना है ट्रिप में, तो ज़रूर ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, देखते रहिए बुलेट ग्रुप।